और यहां आपको बताएं कि कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया है, जहां उनका कहना था कि कराची का अमन रेंजर्स और अवाम की कुर्बानियों का नतीजा है। मजीद बात करते हैं इस बारे अपने नुमाइंदे गयासुद्दीन से। गयास बताइएगा मजीद क्या कहना था। देखिए, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग ने आज डीजी रेंजर्स के साथ मुलाकात की है, हेडक्वार्टर रेंजर्स का दौरा किया है, जहां डीजी रेंजर्स मेजर जनरल सईद ने उन्हें रिसीव किया। उसके बाद कराची अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग हुई है, इस हवाले से मालूमात का तबादला हुआ है। कराची में जो अमन अमान के क्याम में रेंजर्स की कुर्बानियां, उस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग ने रेंजर्स की कुर्बानियों को सराहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत की कि कराची का अमन अमान हर सूरत बरकरार रखना है, और रेंजर्स की जानिब से जो हिकमत अमली मुरतब की गई है कराची अमन अमान के हवाले से वो कंटिन्यू रखनी है। जी, शुक्रिया गयास, आपने अपडेट किया।